बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। अगर ये नोटबंदी भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ एक मुहिम होती, भाई साहब सबसे आगे खड़ा होकर मैं चिल्लाता मोदी मोदी मोदी। 4,000 रुपए के लिए अपनी माँ को प्रधानमंत्री ने लाइन में लगा दिया। केजरीवाल जी टोटली फोकस यदि दिल्ली पे करें, दिल्ली की जनता ने उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया और भारी बहुमत के साथ बनाया और इस विश्वास के साथ बनाया कि वो दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे, परंतु जहाँ तक मैं देखता हूँ केजरीवाल जी की दिल्ली की जनता की सेवा करना तो भूल गए और अपने राजनीतिक हित साधने का काम वो निरंतर कर रहे हैं। तो आज पूरे देश की जनता इस नोटबंदी के साथ प्रधानमंत्री जी का साथ दे रही है। ऐसे समय पर यदि तथाकथित नेता आकर के अपनी बात कहते हैं तो देश की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही कि जो 8 लाख करोड़ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को बैंकों ने लोन दिया था वो उसको जो है डकार गए, अब उनका ये लोन माफ़ करना चाहते हैं और आवाम का जो पैसा है, जो लोगों का पैसा है, जो मेहनत की कमाई है, उसको बैंकों में जमा कराकर उसको माफ़ करना चाह रहे हैं और आगे लोन देना चाहते हैं। तो हम ये लोगों को बता रहे हैं कि इन लोगों ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं, ब्लैक मनी बाहर लाना चाहते हैं, उन्होंने कहा था आतंकवाद रोकना चाहते हैं, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और 50 दिन की इन्होंने बात की थी, 50 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी लोगों को राहत नहीं है, लंबी लंबी बैंकों के अंदर लाइन है और जो अपना लोगों का मेहनत का पैसा वो नहीं मिल रहा। देश की जनता जानती है कि आर्थिक सुधारों आर्थिक प्रगति के लिए कुछ मुश्किलें हो सकती है, लेकिन भविष्य के अंदर भारत आर्थिक प्रगति की ओर भी बढ़ेगा। कांग्रेस के नेता जो कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, जो पूरा का पूरा 10 साल का कांग्रेस का शासन भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, उनको कोई अधिकार नहीं वो भ्रष्टाचार की बात करें। खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से अपनी राय के साथ। नमस्कार खालिद साहब, क्या आम आदमी पार्टी कोई चुनौती ला पाएगी? सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं कहना चाहूंगा देश की जनता नोटबंदी के मसले में मोदी साहब के साथ नहीं है। दूसरे केजरीवाल जी से मेरी यही निवेदन है कि वो ज्यादातर फोकस दिल्ली पर रखे, दिल्ली को चमकाने काम करें, उसको जितने बेहतर हो सके बनाया जाए। चलिए, आम आदमी पार्टी से अब जुड़ चुके हैं प्रतिनिधि हमारे साथ, पूनम चंद भंडारी जी हमारे साथ हैं। भंडारी जी, सभा हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, नोटबंदी से ज्यादा जोर ये रहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को, बीजेपी सत्ताधारी दल है, केंद्र और राज्य में सरकार है, लेकिन कांग्रेस पर निशाने की वजह क्या रही? देखिए, आप एक बात बता दूँ, सब ये कहते हैं कि बीजेपी को तो सरकार चलाना आता नहीं है, कांग्रेस को विरोध करना आता नहीं है, हमको दोनों काम आते हैं। दिल्ली में सरकार चला के हमने 2 सालों को बता दिया हमने काम कैसे किए जाते हैं, ईमानदारी से काम कैसे करते हैं, जो वादे कहते हैं निभा के आए। हमने कहा था पानी फ्री करेंगे, फ्री किया, बिजली आधे किए, हमने कहा मेडिकल फ्री करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक शानदार खोल रखी हमने, वहाँ पर एजुकेशन भी हम सारा काम किया, वहाँ पर शानदार कह रहे हैं पानी बिजली अपने ही मिलता। अरे ऐसा है सर, अब ये तो आप पता और करा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मंडी चुनाव में भी पता पड़ गया था, देखिए काम किया है हमने, और आप देखिए जो 350 का पुल था वो हमने 250 करोड़ बना दिया। तो हम करप्शन को दूर करने के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पर जनता से जो वादे करके निभाएं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं, बता दूँ, ना कोई भूकंप की बात करते हैं, हम तो वही बात करते हैं, सच्ची और सीधी बात करते हैं, जनता के लिए काम करें। आम आदमी साहब आपके पास में आज हमने जो बुनियादी सवाल रखा है वो यही रखा है कि क्या राजस्थान में आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के समक्ष चुनौती पेश कर पाएगी। मैं जवाब आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या पहली चुनौती आज पेश कर दी गई है? भंडारी जी, देखिए जनता बदलाव चाह रही है, जनता ने दोनों पार्टी को बराबर देख लिया है कि दोनों पार्टी धोखे करती है, जुगलबंदी है। जब गहलोत साहब सरकार में आए थे उस टाइम कहते थे 22,000 करोड़ का घोटाला मैडम ने किया है, कुछ नहीं किया। मैडम सत्ता में आई, कहा था कांग्रेस ने घोटाला किया है, 3 साल निकल चुके हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ एक दूसरे के जुगलबंदी है इनकी। हम वो व्यक्ति हैं जो करके दिखाएंगे, जनता हमारी तरफ देख रही है कि ये ईमानदार पार्टी आई है, ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जो वादे करते हैं निभाते हैं, कोई 15 लाख का वादा नहीं करते हैं, खाते में रहेंगे, लेकिन जो काम कर रहे हैं। हमने किसानों को भी देखिए, आप 20,000 एकड़ का मुआवजा दिया, यहाँ किसान मर रहे हैं, 50 रुपये का चेक भेज रहे हैं, कोई दर्द नहीं है, 100 आदमी नोटबंदी में मर गए, मोदी जी कोई दर्द नहीं है, जुमलेबाजी कर रहे हैं, भाषण इस प्रकार दे रहे हैं, मतलब इस तरह का जो परसों मैंने सुना उनका भाषण, राहुल गांधी जो कमेंट्स किए, एक प्रधानमंत्री को इस तरह कमेंट्स कभी नहीं करने चाहिए। देश की बात कर रहे हैं, जनता की बात, जनता को आराम कैसे दिया जाए। चलिए मैं फिर जुड़ूंगा आपसे। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार सुनील जी, बताए क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब सभी मेहमानों को भी नमस्कार करता हूँ। जी सर भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर
केजरीवाल साहब कहीं भी जा सकते हैं, रैली कर सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, राजनेता है वो, उनको मना करिए। मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, आप पार्टी से कहीं कोई डर नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, क्या क्या चैलेंज देंगे भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल साहब? मेरे को ये समझ नहीं। भंडारी साहब को आप सुन रहे थे अभी, उनका कहना है की जिन मुद्दों को लेकर बात की जा रही है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, दोनों एक्ट नहीं करते। मैं भंडारी साहब को पानी के दाम चार गुने बढ़ा दिए मैडम विश्वास जी ने। सुनिए आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नोटबंदी की जो बात कर रहे हैं दोनों, मैं इनको फिर कहता हूँ, रोज कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही किया है तो अगले चुनाव में आपको पता चल जाएगा, और अगर गलत किया है तो वो भी आपके सामने आ जाएगा, या तो आप साफ हो जाओगे या बीजेपी साफ हो जाएगी। जो आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी पे जवाब दें, फिर सुरेश जी का भी रुख करूंगा। धन्यवाद ओझा जी। देखिए जैसे ये अभी पूनम जी मुझे बोल रहे थे हम सबके सामने कि किसानों का दर्द समझा नहीं, तो मेरे को एक घटना याद आती है जब भारत के किसानों की दशा और दिशा पर विवरण करने के लिए इनके मुख्यमंत्री जब जंतर मंतर पर बैठे थे, तो स्वांग रचने के लिए जब गजेंद्र सिंह ने वहां सुसाइड किया, तब इनके मुख्यमंत्री कहां गया दर्द, कहां गया मर्म? अपनी अपनी जैसे नौटंकी को सार्थक सिद्ध करने के लिए किसी को मौत तक पहुंचा दिया इनके मुख्यमंत्री ने, मात्र नौटंकी के अलावा सत्ता गैर राजनीतिक इरादों से जनता का आक्रोश में वाहवाही लूटी और सीधे राजनीति में कूदे। जिनके साथ आए सत्ता में बैठने के लिए, जिनके साथ जब मंच पर बैठकर के मंत्र सांझा किया, उनके पीठ पे छुरा घोंप करके सत्ता में आकर के बैठे, सत्ता पे काबिज होकर के बैठे। कैसा आप पूनम जी, आप अपना स्वांग रचना बंद कीजिए, हम अच्छे, हम सच्चे। अरे दुनिया, आप दिल्ली की जनता से पूछिए ना, आप कितने सच्चे। पूनम चंद जी कह रहे हैं पहली चुनौती रख दी आज, लोगों ने सफल बना दिया सभा को, मौजूदा सरकार के सामने चुनौती, स्वांग रचना आकर निमिषा जी मौजूदा सरकार के सामने चुनौती है, मौजूदा सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं है। नोटबंदी मर गया, वो दिख रहा है इनको, 100 जने मोटी नोटबंदी मर गए और ताली बजा बजा के पीएम साहब हंस रहे हैं 50 दिन। स्वांग रचने का अलावा कोई पार्टी की बात, 100 आदमी मर गए मैडम, उनका ध्यान दिया क्या किसी का? 100 आदमी मर गए, आपने ध्यान दिया? 100 मर गए, 100 आपने ध्यान दिया? भ्रष्टाचार, 100 मर गए नोटबंदी में, गरीब आदमी हर साल गई, व्यापार बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार है मैडम, ध्यान दिया आपने? पूनम जी भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर तो आप आए हो, लेकिन भ्रष्टाचारी आपके विधायक जो जेल में बैठे हैं अभी, जवाब है आपके पास कुछ? कौन जेल? कोई जवाब नहीं है आपके पास, कोई जवाब नहीं है। क्या मुकदमा किया आपने? आंदोलन कर रहे हैं, मुकदमा करते हो आप 21 संसदीय सचिव बना करके कहते पद की लालसा नहीं है। आपने कितने कर रहे हैं? रोज कर रहे हो, चार चार गाड़ियों में कर रहे हो, संसदीय सचिव राजस्थान में। और आप ये बोलते हो, चलिए ये आरोप प्रत्यारोप और आ जाएगा। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से जुड़ चुके हैं, नमस्कार कोरानी जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, सर नमस्कार, बताएं। सर मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भाई अरविंद केजरीवाल जी जो भी कहते हैं अच्छा ही कहते हैं और बढ़िया ही कहते हैं, मगर उनका सुनने वाला कोई होता ही नहीं है। सबसे बड़ी विलंबना क्या है, वो सच के लिए बताते हैं, मगर उनके लिए जो ये काट पीट जो होती है ना, वो बड़ी खतरनाक राजनीति हो रही है इस टाइम। आज भी उन्होंने अच्छा ही बोला और बढ़िया बोला, मगर कुछ वर्ड में वो गलत भी बोले और इस तरीके से बोले कि आरोप वाली बातें कर रहे हैं, मगर इनके आरोप भी सच साबित हो जाए नहीं, तो ये झुंझल वाली बात कहते हैं कि साहब ये हो गया वो हो गया, दिखाते कुछ है करते कुछ है, तो जनता भी इनको समझ नहीं पा रही है। चलिए कथनी करनी का फर्क है, एक जुगलबंदी की भी बात आ रही, सुरेश जी से जवाब लें, उससे पहले जयपुर से ही विजय सोनी जी हमारे साथ हैं। सोनी जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब जी, बताएं। भंडारी जी कह रहे हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मैंने देखा था गहलोत सरकार ने जनता के लिए बहुत कुछ किया, दवाइयां बांट दी, निःशुल्क जांचें कर दी, पेंशन दे दी, जब जनता उनको ही नकार गई तो अब नई नई पार्टी पे क्या भरोसा कर सकते हैं सर? ठीक है, लेकिन बात है रवायतों की, सियासत में रवायतें खासा मायने रखती हैं। इस बीच अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो फिर जनता क्या तीसरे विकल्प की तरफ जाएगी? सुरेश जी आपका जवाब क्या होगा? केजरीवाल जी, बाबा रामदेव जी और कई और बाबा नेता, ये मनीषा जी कह तो रहे थे, साथ बैठे थे, मनीषा जी कह रही थी, निमिषा जी कह रही थी, दिल्ली में सब जगह बैठे, तो बाबा तो अब इनके पास हैं, केजरीवाल जी ने आज आपको देखा ही है, इनको ये पता ही नहीं किसान है क्या, इनको ये नहीं पता किसान की समस्या क्या है, इनको ये नहीं पता किसान बीज लाता कहाँ से है, इनको ये नहीं पता पानी कब किसान कब देता है, इनको ये नहीं पता निराई कैसे होती है, बात किसान की करते हैं।
50 साल में आपको समझ में आ गया ना हमारे तो आपने क्या किया? हमने किसान के लिए हमने किसान आज किसानों की दुर्दशा हमने 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 किसान के लिए आज जो किसान की दुर्दशा हमने नरेगा योजना लाए हम नरेगा योजना लाए आपने किसान को मारने का जो नोट बंद करने का काम किया है चार पांच व्यापारियों का घर भरने का काम किया है हर आदमी को चोर बनाने का आपके प्रधानमंत्री ने काम किया है आपके नेताओं के बड़े बड़े के पास तो 2000 का नोट हमने देखा नहीं और उनकी गाड़ियों की गड्डियां भरी पड़ी हैं आपके पदाधिकारियों के पास नोट आ रहे हैं आपके पास किसान को दिया क्या लाइन में खड़ा कर दिया लाइन में लगा दिया किसान को सुदृढ़ किया सवाल यह है कि आप दोनों पर पूनम चंद जी ने यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी निमिषा जी और सुरेश जी निमिषा जी पूनम चंद जी ने कहा वो साबित कर रहे हैं आप दोनों निमिषा जी सुन लीजिए यही है जाकिर अली साहब का रुख करना चाहूंगा सब क्या कहेंगे माल्या के लिए किसानों को लगा दिया हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं मैं आऊंगा आप लोगों के पास जी हेलो बताइए जाकिर साहब नमस्कार नमस्कार जी मैं कहना चाहता हूँ कि कैसी राजनीति है हमारे देश में कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं जो एक दूसरी पार्टी के अच्छे काम पे सहयोग करे बॉर्डर पे लड़ाई नोटबंदी क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी का विकल्प बन पाएगी राजस्थान में दावा किया गया चुनौती दी गई आज सर वो मेरे को तो मैं ये कह रहा हूँ ये पार्टी कर क्या रही है एक दूसरे का विरोध करने के साथ तो कुछ नहीं हो सकता इन पार्टी कुछ नया नहीं है पूनम चंद जी ने जो बात कही वही आपने भी दोहराई है धन्यवाद आपका श्याम जी क्या ये जो राजनीति देख रहे थे मैं बोल भी रहा था ना निमिषा जी सुन रही थी और ना सुरेश जी सुन रहे थे ऐसे हालात में विकल्प बन जाएगी आम आदमी पार्टी लगता है देखिए अश्विनी जी विकल्प बनेगी नहीं बनेगी वो बात तो अलग है इनका अस्तित्व तो कितना बनेगा क्या होगा ये तो आपने पहले जो आरोप प्रत्यारोप है इसमें तीसरे मोर्चे की जरूरत क्या राजस्थान को है आज लेकिन तीसरे मोर्चे के रूप में ये किसको लेकर साथ चलेंगे आज अगर ये डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को हनुमान बेनीवाल को ये मंच पे लाते साझा करके दिखाते तो हमको लग रहा था कि कुछ कर पाते आप पार्टी क्योंकि अभी तक आप पार्टी अपने अस्तित्व को तलाश नहीं आई है राजस्थान में अभी तक तलाश नहीं पाई है क्योंकि इनकी पहली सभा कुछ हद तक सफल रही है ये बात तो है इनको अगर कांग्रेस बीजेपी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं आने वाला चुनाव में जिस प्रकार की आज जो कुछ कह गए और सब कुछ कर गए उसके बाद ये बोलेंगे इनके नेता बोल रहे हैं परिणामी जी भी बोले हैं और अशोक गहलोत भी बोले हैं कि ये दिल्ली संभालें वो दिल्ली संभालने के बाद ही तो बाहर निकल गए क्योंकि उसके पास इतनी अथाह जो समर्थन है वहाँ भारी बहुमत से जीता हुआ व्यक्ति है उसको पता है दिल्ली में कुछ कर नहीं पाएंगे इसलिए वो बाहर आ गया निकल के अब नोटबंदी की बात कहकर के राजनीति वहाँ कर गए राजनीति वो कह रहे राजनीति करनी नहीं लेकिन वो क्योंकि राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं वो राजनीति करने तो निश्चित रूप से आए यहाँ वो लोगों को इस बहाने इकट्ठा करके कह तो गए इन दोनों को कि आप पे दम नहीं है बिल्कुल मिलाकर सीधे तौर पर इस बार चुनौती दी गई पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लेकर भी कह गए सुरेश जी से जवाब लेंगे ब्रेक के उस पार बिग फाइट लाइव जारी आप पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को तो अभी फिलहाल तो कोई ऐसा माहौल नहीं दिखता जो टक्कर दे सके मगर फिर भी हमें किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए दिल्ली में भी लोगों ने हल्के में लिया था आज पंजाब में भी वो लोग इतना कर रहे हैं राजस्थान में हमारी सोच ऐसी है कि वो स्टेबल नहीं हो पाएंगी इतने जल्दी मगर फिर भी अगर दोनों राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए इतना ईजीली लेना नहीं चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए मोदी 4000 रुपए के लिए अपनी माँ को प्रधानमंत्री ने लाइन में लगा दिया